Good morning class. This is our genetics class in which today we will study about the most important topic of our genetic, that is central dogma. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोला है मैंने, क्योंकि एक्चुअली जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी, डीएनए की स्टडी, क्रोमोसोम की स्टडी. तो ये सब चीज़ें क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक साथ अगर पढ़ना चाहें तो वो टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी जेनेटिक्स जो है वो टिकी हुई है. यही प्रोसेस जब सही चल रहा होता है तो वो जेनेटिक्स सही जेनेटिक्स कहलाती है, और इसमें कुछ भी गड़बड़ आते ही पर्सन की जो जेनेटिक्स है वो बिगड़ जाती है. तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोली कि सेंट्रल डॉगमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने कहा जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल डॉगमा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम डीएनए और डीएनए का हेरिडिटी में रोल, डीएनए से प्रोटीन का बनना, जीनोटाइप से फीनोटाइप, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. इसके अंदर मेनली सेंट्रल डॉगमा, डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए का सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, म्यूटेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ म्यूटेशन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं. म्यूटेशन तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि म्यूटेशन मैं अपनी एक अलग क्लास में आपको पढ़ाऊंगी. पर मेनली चार टॉपिक्स जो हैं वो सेंट्रल डॉगमा में आते हैं. तो देखिए, सेंट्रल डॉगमा क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. सेंट्रल डॉगमा इज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाती है और आरएनए से प्रोटीन में जाती है. अब क्या होता है, एक्चुअली डीएनए से डीएनए बनता है. द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस फ्रॉम द डीएनए, द प्रोसेस नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन. फिर रेप्लिकेशन बाद डीएनए से आरएनए बनता है, द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन आरएनए ट्रांसलेट द प्रोटीन. आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और इस एंटायर प्रोसेस को एक साथ हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा कहलाता है. एक्चुअली जीन जो है वो दो स्टेप्स में एक्सप्रेस्ड होता है. जीन डीएनए एक ही बात है, एक तो पहले आप ये सुन लीजिए, जीन और डीएनए एक ही बात है, और ये दो स्टेप्स में एक्सप्रेस्ड होगा. पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा. सो फर्स्ट द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, देन आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन. तो दो प्रोसेस है, दो स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. अब सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे. तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए. डीएनए क्या है, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. 1950s में सबसे पहले इसके बारे में पता चला था रोसेलिंड फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट थी, जिन्होंने एक्सरे फोटो से डीएनए के स्ट्रक्चर का पता लगाया था. फिर उनके दो स्टूडेंट्स वॉटसन क्रिक ने डीएनए के मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब भी किया था फ्रैंकलिन्स एक्सरे से. वॉटसन क्रिक जो है, कहा जाता है उन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, पर एक्चुअली रोसेलिंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था. फिर उनके स्टूडेंट्स थे वॉटसन क्रिक ने, जिन्होंने ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है डिस्क्राइब किया. अब होता क्या है भाई, ये डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रक्चर जिसमें खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और क्या बनाते हैं, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का. न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप का. न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप का. और न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर का. नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर का न्यूक्लियोसाइड बना होता है, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड बनाता है. पॉली न्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रक्चर को ही अपन क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं. पॉली न्यूक्लियोटाइड की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को अपन डीएनए कहते हैं. तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड तीन
कंपोनेंट्स का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस, जिसकी चौड़ाई लगभग 2 नैनोमीटर होती है। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड बताया हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर डीऑक्सीराइबोस से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन बेसिस 4 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, सॉरी, प्यूरिन और पायरिमिडिन, एडिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताई गई है, रंग्स ऑफ लैडर से बताया गया है, जो कि नाइट्रोजन बेसिस बना रहे होते हैं, बीच में जो बॉन्ड बने नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, एटीजीसी, ये लैडर के लेग्स बनाए हुए हैं जो कि फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन से बने होते हैं। ये पूरा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, टी ए के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और फिर ये नाइट्रोजन बेसिस शुगर से जुड़े हैं, और शुगर जो है वो फॉस्फेट की बैकबोन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन बेसिस हमने कहा प्यूरिन पायरिमिडिन होते हैं, प्यूरिन 2 तरह के ए और जी, और पायरिमिडिन 2 तरह के, थायमिन और साइटोसिन, एडिनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन। प्यूरिन्स में डबल रिंग्स पाई जाती हैं, जबकि पायरिमिडिन सिंगल रिंग से बना होता है, जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। बेस पेयरिंग प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से जुड़ता है, जिसमें ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है। तो ये दिखाया हुआ जी सी 3 हाइड्रोजन की बॉन्ड से जुड़ रहा है। बेस पेयरिंग इस तरह से हो रही होती है, प्यूरिन पायरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया, प्यूरिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और पायरिमिडिन सिंगल सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर है। अब चारगॉफ्स रूल कहता है कि एडिनिन हमेशा थायमिन से ही पेयर करे, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ही पेयर करे। इनका अमाउंट गिवन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर लगभग सेम रहता है, जितने एटी होंगे उसी के अकॉर्डिंग जीसी होंगे। 30% एडिनिन है तो बताइए फिर साइटोसिन कितना होएगा, भाई बता सकते हो? 30% एडिनिन है तो 30% ही थायमिन होएगा, टोटल हो गया 60%, रिमेनिंग बचा 40%, तो साइटोसिन कितना होगा 20%, और 20% क्या होगा, गुआनिन होगा भाई। ये देखिए 20% साइटोसिन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एडिनिन 30% है, थायमिन भी 30% जो ए के साथ में टी बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन रिमेनिंग बचेगा जो साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, दोनों इक्वल करके 50-50% हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन कब और कहाँ होता है? तो जो हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, जिसमें फेज आते हैं जी फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज, तो जो S फेज है जिसको अपन सिंथेसिस फेज कहते हैं, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है। सेल साइकिल के इंटरफेज में जो S फेज आती है, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर ये चल रही होती है, डीएनए रेप्लिकेशन इस S फेज में चलता है। M फेज जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस आती हैं। M फेज के बाद G1 फेज, G1 के बाद S फेज जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन चलेगा, और S के बाद में G2 फेज, और एक बीच में इंटरफेज जो कि जिसमें थोड़ा आराम चल रहा होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखिए, रेप्लिकेशन का ओरिजिन, रेप्लिकेशन फॉर्क में हंड्रेड्स ऑफ वाई शेप्ड के रीजन्स पाए जा रहे होते हैं। वाई शेप जैसा आपको नीचे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है, आप ऐसे करके देखोगे तो ये वाई दिख रहा है ना, तो वाई शेप्ड के रीजन्स पाए जा रहे होते हैं रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स में, जिसपे कि नया स्ट्रैंड ग्रो करके नया डीएनए बना लेता है, पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल पे नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, तो एक रेप्लिकेशन का बबल बनता है, जैसा नीचे डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ रेप्लिकेटिंग बबल्स जो है यूकैरियोट्स में बनते हैं, जबकि बैक्टीरिया में के रेप्लिकेशन फॉर्क में केवल सिंगल बबल ही बनेगा, उसी से रेप्लिकेशन चलेगा। अब यहीं पर एक बार रुक जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भाई हम रेप्लिकेशन पढ़ें उससे पहले हमारे को 6 एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। लाइन वाइज याद करें, सीक्वेंस वाइज, वो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मैं सीक्वेंस चेंज नहीं चाहती हूँ इसका, तो सीक्वेंस वाइज याद करें। सबसे पहला एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है, दैट इज डीएनए हेलिकेस, देन एसएसबी प्रोटीन, सेकेंड वन इज एसएसबी प्रोटीन, थर्ड वन इज डीएनए गायरेज और यू कैन से टोपो आइसोमिरेज, फोर्थ प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज, फिफ्थ डीएनए पॉलीमरेज,
सिक्स्थ डीएनए लाइगेज, ये छह एंजाइम्स हैं जो इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, गायरेज और टोपो आइसोमेरेज, देन प्राइमेज, पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। अब ये इसी सीक्वेंस में क्यों पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, जब अपन रेप्लिकेशन पढ़ेंगे आपको ये रीज़न समझ में आ जाएगा। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन, मैंने कहा भाई डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों हेलिक्स एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो भाई जब ये डीएनए रेप्लिकेशन जब चलेगा तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, फिर हर एक स्ट्रैंड क्या करता है, पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल की तरह या टेम्पलेट डीएनए की तरह एक्ट करता है, उसके ऊपर दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले वाई शेप की स्ट्रक्चर बनेगी, वाई शेप की स्ट्रक्चर बनने के लिए या ये जो बबल बन रहे हैं इसके बनने के लिए, ये तब बनेंगे ना जब इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट गए और ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, पर जैसे ही ये हेलिकेज हटेगा इन दोनों स्ट्रैंड्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़ने नहीं चाहिए क्योंकि जुड़ गए तो फिर एप्लीकेशन कैसे चलेगा, तो हमें उसको जोड़ने से रोकना है। जोड़ने से रोकने के लिए आप कैसे रोक सकते हो भाई, एक स्ट्रैंड को पकड़ के रख लो तो दूसरा स्ट्रैंड उस पर जुड़ नहीं पाएगा, पकड़ के कौन रखेगा, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, ठीक है। अब जब आप तेज़ी से स्टैंड को खोल रहे होते हैं, जैसे बालों गुंथी हुई चोटी को आप एकदम से खोलिए, तेज़ी से खोलिए, किसी रस्सी जो एकदम अच्छे से गुंथी पड़ी है उसको आप तेज़ी से खोलिए, तो क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे आकर के वो अकड़ सी जाती है, तनाव आ जाता है, टाइट हो जाती है, उसको अपन टॉर्शन कहते हैं। इस टॉर्शन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन रिमूव करता है, कौन दूर करता है इस टॉर्शन को, टोपोआइसोमेरेज या गायरेज नाम का एंजाइम। अब ठीक है, टॉर्शन भी रिमूव हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग भी हो गए, तो अब क्या करना है, नया डीएनए बनाना शुरू करना है, तो शुरू कौन करेगा, प्राइमेज, जो आरएनए प्राइमर को लेकर के आता है और आरएनए प्राइमर यहाँ नींव की तरह एक्ट करता है और नया स्ट्रैंड उस पर बनेगा। जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो एक बार तो नींव तो आरएनए प्राइमर की रख दी डीएनए प्राइमेज नाम के एंजाइम ने, अब उसके ऊपर ईंटें रख करके पूरी बिल्डिंग भी तो खड़ी करनी है डीएनए की। ईंटे यहाँ पर कौन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और उनको ला करके खड़ा करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, और फिर फाइनली लाइगेज का काम आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। लैंग्वेज पढ़िए, स्ट्रैंड सेपरेशन, सबसे पहले ज़रूरी है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अपन सेपरेट करें, जिसमें हेलिकेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करता है और सेपरेशन करता है। अनवाइंडिंग मतलब वो जो गुंथी हुई पार्ट है उसको खोल देगा, और सेपरेशन मतलब अलग कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के, पैरेंटल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके ये अलग कर देगा। दूसरा है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेपरेटेड स्ट्रैंड के जुड़ करके उन दोनों को अपार्ट रखते हैं, यानी दूर दूर बनाए रखते हैं, ताकि उनमें वापस से रीवाइंडिंग ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो हेलिकेज ने अनवाइंडिंग करा था और छोड़ देंगे हम ऐसे ही, तो रीवाइंडिंग हो जाएगा। रीवाइंडिंग को रोकने के लिए एसएसबी प्रोटीन वहाँ पे मौजूद होता है। फिर स्ट्रैंड सेपरेशन होना है अच्छे से, क्योंकि टॉर्जन आ जाता है, उसके लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम है जो कि उस टॉर्जन वाले स्ट्रेस को वहाँ से रिमूव कर देगा डीएनए मॉलिक्यूल से, और सिंगल स्ट्रैंड के चारों तरफ फ्री रोटेशन हो पाएगा अच्छे से। तो देखो ये डीएनए का ये एंजाइम पकड़ा हुआ, और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइनें दो दिखी हुई टॉर्जन को रिमूव कर रही है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, बेसिक हमने सब कुछ काम कर दिया, प्राइमिंग का काम करना है, आरएनए प्राइमर आएगा, डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हुए, उससे पहले ज़रूरी है कि एक छोटा प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड वहाँ पे प्रेजेंट हो, जिसको अपन प्राइमर या आरएनए प्राइमर कहते हैं, ताकि नए न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर आ करके जुड़ सके और रेप्लिकेशन का काम शुरू हो सके। स्टैंड पे जोड़ने का काम पॉलीमरेज करेगा, और इस प्राइमर को लाने का काम कौन करेगा, प्राइमेज, वो एंजाइम है जो कि आरएनए प्राइमर को लाता है और आगे पॉलीमराइज्ड करेगा, नया स्टैंड बनेगा। तो नया स्टैंड बनने में डीएनए पॉलीमरेज का रोल होता है, या आरएनए प्राइमर के साथ में डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है और नया डीएनए का स्टैंड बनाता है 5' to 3' डायरेक्शन में ऑलवेज, ये कभी उल्टा नहीं चलता प्रोसेस, हमेशा 5' to 3' ही चलेगा।
तो यहाँ दिखाया गया है कि यार ने प्राइमर जुड़ा था जिसको अपने डैश डैश लाइन से बनाया, डैश डैश इसलिए क्योंकि ये नीव है, ये मेन बिल्डिंग नहीं है, मेन बिल्डिंग तो अब आएगी, डीएनए पॉलीमरेज लेकर के आएगा, न्यूक्लियोटाइड कोई न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, आती जा रही है जुड़ती आ रही है, आती जा रही है जुड़ती आ रही है, कौन से डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में चल रहा है ये प्रोसेस। ये देखिए ये 5' डायरेक्शन है, यहाँ से चलेगा और आगे चलता हुआ 3' में जाएगा। अब ये दोनों स्टैंड्स दिखाए गए हैं, एक 3' to 5', एक 5' to 3', क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं ना स्ट्रक्चर्स। अब नया स्टैंड बन रहा है, तो देखो नया स्टैंड, देखो डीएनए जो होता है उसमें दो स्टैंड्स होते हैं और उसमें से एक स्टैंड को हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं, दूसरे स्टैंड को हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैंने बोला कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एंटी पैरेलल होता है, उसमें एक स्टैंड तो 3' to 5' होता है, दूसरा 5' to 3'। अब जो 3' to 5' स्ट्रैंड है उस पर तो डीएनए का रेप्लिकेशन 5' to 3' चलेगा, यानी सीधा सीधा लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे स्ट्रैंड को जिसमें नया डीएनए का स्ट्रैंड लगातार चल रहा है आगे बढ़ता हुआ, उसको अपन लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों? ये कहते हैं ना कि खिलाड़ी आगे बढ़ता हुआ लीड ले रहा है, तो लीड करना मतलब जो आगे लगातार बढ़ रहा होता है। तो एक स्टैंड जो 3' to 5' डायरेक्शन में होता है उस पर हमेशा कंटिन्यू डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है, जो कैसे चलेगा 5' to 3' डायरेक्शन में। तो जो ऐसा स्टैंड है जिस पर कंटिन्यू ये सिंथेसिस चलेगा उसको अपन लीडिंग स्टैंड कहते हैं। पर दूसरा स्टैंड जो इस 3' to 5' के अपोजिट था वो कैसा था? वो 5' to 3' था। तो ऐसे केस में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो तो हमेशा 5' to 3' ही चलेगा। तो नीचे से ऊपर चलने के बजाय ऊपर से नीचे चलेगा, उल्टा चलेगा, तो जिस वजह से वो कंटिन्यू चल नहीं पाएगा, बार बार प्राइमर आएगा, बार बार नया स्टैंड बनेगा और बार बार गैप उसके बीच में आता रहेगा। तो ऐसा स्टैंड बेचारे उस दूसरे स्टैंड के कंपैरिजन में जो लगातार चल रहा था उसके कंपैरिजन में लगातार दूसरा वाला स्टैंड चल नहीं पाता है, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है, फ्रेगमेंट्स इसमें नए डीएनए के बन जाते हैं। तो उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ना जरूरी होता है और उस जोड़ने का काम हमारा लास्ट एंजाइम दैट इज लाइगेज करेगा। लाइगेज का काम होता है सीलिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो लीडिंग स्टैंड जिसपे कंटिन्यूस डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है और दूसरा स्टैंड है लैगिंग स्टैंड जिसमें सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में चलने के कारण कंटिन्यूस नहीं चल पाता, डिसकंटिन्यूसली चलता है, जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो 5' to 3' तो कंटिन्यू चल जाएगा, पर इधर नीचे वाले स्टैंड का क्या होगा जो लैगिंग स्टैंड है, तो वो बेचारा थोड़ा पीछे रह जाता है। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रहना। तो ये डिसकंटिन्यूस मैनर, डिसकंटिन्यूस क्योंकि बीच में प्राइमर दिख रहा है ना, ये तो यहाँ गैप आ गया, यानी कंटिन्यू नहीं चल रहा है। ऐसे जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए इनको अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स जो लैगिंग स्टैंड पर बन जाते हैं उन फ्रेगमेंट्स को अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको बारे में हमको बताया था। तो अब यहाँ पे डीएनए लाइगेज का काम आएगा। ये एक लिंकिंग एंजाइम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 3' to 5' एंड पर उस स्टैंड को ज्वाइन करने के लिए, यानी लाइगेज क्या करता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टूगैदर, या सीलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का, सील करने का काम करता है। तो ये देखो डायग्राम में दिख रहा है डीएनए लाइगेज आ गया जो गैप था उसके बीच में, ताकि उसको सील किया जा सके। अब इस तरह से जो न्यू स्टैंड बन गया उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग जरूरी है भाई, कल को वो गलत बन गया हो तो, बेस पेयरिंग में कोई एरर आ गया हो कोई इनिशियल लेवल पर, तो हमारे को उसको करेक्ट करना होता है। तो करेक्ट करने के लिए पहले हमें उसे चेक करना पड़ेगा, चेक करने को ही हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। और करेक्शन का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, कि अगर कोई डिफेक्टिव पीस आया है तो उसको काट करके अलग करके वहाँ पे नया सही फ्रेगमेंट लेकर के ये डीएनए पॉलीमरेज चिपका देता है ताकि गलतियाँ ना हो। अब डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वॉटसन और क्रिक ने बताया था, जिसमें दो स्टैंड पैरेंटल मॉलिक्यूल से सेपरेट होते हैं और अपना अलग फंक्शन करते हैं, एंड ईच फंक्शंस एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अब एक से दो डीएनए बन गए, फिर वापस ये भी ऐसे ही सेपरेट होकर के डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे डीएनए अपना नंबर जो है वो बढ़ा लेता है। अब एक्सीजन रिपेयर, कि भाई ये जो हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग में कुछ गलती आ गई, तो जो डैमेज सेगमेंट है पहले उस गलती वाले डैमेज सेगमेंट को अपन काट देते हैं रिपेयर एंजाइम के द्वारा। 50 तरह से भी ज़्यादा के रिपेयर एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं,
डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज का भी एक्स्ट्रा रोल था, एक्साइज एंजाइम से काटेंगे, डीएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड वहाँ लेकर के आएगा और डीएनए लाइगेज उसको ला करके चिपका देगा, जोड़ देगा, उस नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा बॉन्ड के साथ में। अब भाई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या मतलब होता है, ये डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट इसका अपोजिट, जैसा आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, जी के सामने सी, यहाँ पर ये था ना जी, तो जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, ए के सामने टी, टी के सामने वापस ए और जी के सामने सी, इस तरह से आपको लिखना है। तो क्या सीक्वेंस बन जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम पर आएगा सी जी सी ए टी ए सी, ये खुद से बना सकते हो आप बस। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस यानी सेंट्रल डॉगमा का फर्स्ट पार्ट जो है पूरा हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। रिमेनिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।